हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सीआईबी के जो यूनिट 21 था, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, उसका एक केस स्टडीज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बोल रहा है कि इन अ ब्रांच मिस्टर जेड, जिनकी एज 42 इयर्स है, इज सुपरवाइजर ऑफ मिस्टर ए, जिनकी एज 53 इयर्स है, एंड मिस्टर बी, जिनकी एज 27 इयर्स है। तो मिस्टर ए इज बिजी विद अ कस्टमर। मिस्टर ए जो थे वो कस्टमर के साथ बिजी थे। ही टेल्स अनदर वेटिंग कस्टमर टू गो टू मिस्टर जेड फॉर गाइडेंस ऑन एन इशू। तो उन्होंने जो वेट कर रहा था कस्टमर, उसको बोला कि आप गाइडेंस या किसी इशू के लिए आप मिस्टर जेड से बात कर सकते हैं। तो मिस्टर जेड ने जो है वो कस्टमर को अकॉर्डिंगली गाइड किया। उसके बाद उन्होंने मिस्टर ए को बुला के पूछा कि वो कस्टमर को प्रॉपरली अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि वो एक काफी सीनियर एम्प्लॉई है। और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर काफी हार्श टोन में बात भी किया, उनको काफी कुछ बोला। तो मिस्टर ए जो थे उनको ये अच्छा नहीं लगा और वो भी मिस्टर जेड के साथ बहस करने लगे। तो सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। तो ये सब जो है मिस्टर बी देख रहे थे। तो मिस्टर बी ने फिर इसमें इंटरवीन किया और मिस्टर जेड और मिस्टर ए को उन्होंने कूल करने का ट्राई किया। तो जब सिचुएशन सब कुछ ठीक हो गई, सब लोग शांत हो गए, तो फिर मिस्टर जेड जो है वो मिस्टर ए के पास गए और उनको पैसिफाई करने की कोशिश की। और उसके बाद उन्होंने उनको अपने साथ चाय पीने के लिए भी ऑफर किया। तो फ्रेंड्स, ये जो सिचुएशन है ये हम लोग रोज बैंक में देखने को हमें मिलता है। तो इस सिचुएशन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है वो क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन वन कहता है कि दिस इवेंट एज अ पार्ट ऑफ एचआर कैन बी कवर्ड अंडर। ये जो इवेंट है ये एचआर के किस पार्ट में कवर होता है? तो फ्रेंड्स, हमने डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में एक टॉपिक देखा था, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। तो वहां पे जो है पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट जो ईगो स्टेट होते हैं उसको दिखाया गया था। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। तो ये जो हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के ऊपर बेसिस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाइल बीइंग हार्श टू ए, जेड वाज डिस्प्लेइंग। जैसे जब दोनों में बहस हो रही थी, जेड जो है ए को काफी हार्श वर्ड में, हार्श टोन में बात कर रहे थे, तो जेड का जो यहाँ पे ईगो स्टेट है वो क्या दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जेड का ईगो स्टेट है, हमने देखा था तीन ईगो स्टेट, पेरेंट, चाइल्ड और एडल्ट। तो जेड का यहाँ पे पेरेंट ईगो स्टेट दिखा रहा है। और यहाँ पे फ्रेंड, जो पेरेंट ईगो स्टेट है वो क्रिटिकल पेरेंट को दिखा रहा है। हमने अपने चैप्टर में देखा था कि क्रिटिकल पेरेंट जो होता है वो उसका बिहेवियर क्या होता है, वो दूसरों को हमेशा क्रिटिसाइज करता है अगर कोई अनडिजायरेबल बिहेवियर करता है तो, और वो काफी इवेल्युएटिव होता है और जजमेंटल होता है, और वो हमेशा दूसरों को ये फील कराता है कि वो ओके नहीं है। तो यहाँ पे जो जेड है वो ए को काफी कुछ कह रहा है, तो वो उसके इसी तरह के ईगो स्टेट को एक्सप्लेन करती है। तो हमारा क्वेश्चन टू का आंसर होगा आंसर ए, पेरेंट ईगो स्टेट। अभी नेक्स्ट देखते हैं। और फ्रेंड्स, जो पेरेंट ईगो स्टेट है वो उसमें क्रिटिकल पेरेंट जो है उसका ईगो स्टेट वो दिखा रहा था। अब क्वेश्चन थ्री देखते हैं। व्हेन ए वाज रिएक्टिंग टू जेड बाय अब्यूजिंग, ही वाज इन। अब ए जो है जेड की बातों पर रिएक्ट कर रहा था, तो वो किस तरीके के ईगो स्टेट को दिखाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ए है वो चाइल्ड ईगो स्टेट को दिखाता है। वो हमने चाइल्ड में देखा था, चाइल्ड ईगो स्टेट को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया था। पहला एडॉप्टेड चाइल्ड, दूसरा नेचुरल चाइल्ड और तीसरा लिटिल प्रोफेसर। तो यहाँ पे जो है वो एडॉप्टेड चाइल्ड का जो रोल है वो दिखा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो एडॉप्टेड चाइल्ड का नेचर होता है कि जो दूसरे कर रहे होते हैं वो उससे उसी चीज को अडॉप्ट करता है और उसी के ऊपर रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जेड उसके साथ जिस तरीके का बिहेवियर कर रहा था, ए जो है ए भी उसके साथ उसी तरीके का बिहेवियर कर रहा है और उसी मैनर में रिएक्ट कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ए है वो चाइल्ड ईगो स्टेट को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी ट्राइड टू पैसिफाई देम एंड मेड देम कूल, इन दिस प्रोसेस बी डिस्प्लेड। अब बी जो है दोनों को पैसिफाई करता है, कूल करता है, तो बी यहाँ पे किस तरीके का ईगो स्टेट जो है वो डिस्प्ले कर रहा है? तो फिर यहाँ पे बी जो है वो एडल्ट ईगो स्टेट को डिस्प्ले कर रहा है। तो हम लोगों ने चैप्टर में देखा था कि जो एडल्ट ईगो स्टेट होता है वो किसी भी मैटर को लॉजिकली, रीजनेबली और रैशनली जो है वो उसको पहले एनालाइज करता है किसी भी सिचुएशन को। अगर वो वहां पे कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है और डिसीजन मेकिंग, वो रैशनली डिसीजन मेकिंग करता है। तो यहाँ पे बी जो है वो देख रहा है कि जब सिचुएशन, पहले तो वो उनके बीच में नहीं बोल रहा था, लेकिन जब उसको लगा कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है तो वो तुरंत दोनों को शांत करता है, मैटर को ठीक करता है।
तो वो यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह भी काम कर रहा है, तो इसीलिए बी का जो स्टेज है वो यहाँ पे एडल्ट ईगो स्टेट है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेड एफर्ट टू पैसिफाई मिस्टर ए लेटर एंड ऑल्सो ऑफरिंग हिम अ कप ऑफ टी फॉल्स अंडर। तो अब जेड जो मिस्टर ए को पैसिफाई कर रहा है और उनको एक कप ऑफ टी ऑफर कर रहा है, तो ये जेड के किस तरीके के ईगो स्टेट को दिखाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी जो जेड का ईगो स्टेट है वो पेरेंट ईगो स्टेट है। वो इसलिए है क्योंकि पेरेंट ईगो स्टेट में ये उसके नर्सरिंग पेरेंट ईगो स्टेट को दिखाता है। तो नर्सरिंग पेरेंट ईगो स्टेट का हमने देखा था वहां पे जो दिया था बुक में, कि जो नर्सरिंग पेरेंट होता है वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है, या लोगों को जो जिससे वो बात कर रहा हो उसको अंडरस्टैंड करता है, वो उसकी केयर करता है अपने लोगों के की। तो यहाँ पे जो मिस्टर जेड है उनको लगा कि हाँ एक उन्होंने काफी कुछ बोल दिया, तो फिर वो जाके एक को समझाते हैं, फिर वो एक फ्रेंडली माहौल भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं उनको चाय ऑफर करके। तो इस तरीके से जो जेड है यहाँ पे वो नर्सरिंग पेरेंट ईगो स्टेट को दिखाता है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा ये जो ट्रांजेक्शन एनालिसिस का जो केस स्टडी है वो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और केस स्टडीज के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप थम्सअप का बटन प्रेस करिए फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप थम्स डाउन का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।